का शुभकामना है और काशी की धरती है बाबा विश्वनाथ की, इससे पावन धरती है। और मैं रवि जी को अग्रिम बधाई देता हूँ इस लाइन के लिए कि आए हैं और नाम करें, काम करें, क्योंकि मैं भी इसी लाइन से जुड़ा हूँ। तो शुभकामना, तो जानते हैं ये फिल्म लाइन है, यहाँ पर तो टकराहट पैदा रहती है। लेकिन मैं आया हूँ, मुझे नहीं था कि मतलब मैं बाबा जी के साथ भी, मैं मुझे पता था कि रवि जी का है मैटर, तो मैं कहा चलिए भाई मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं है। तो बारिश तो इतना तेज थी, भी बाबा जी ने बताया ही है, तो निश्चित है और रवि जी आगे जाएँ, मेरी यही शुभकामना है। और सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह राजू यादव जी ने अभी गुरु के लिए कहा, तो ठीक यही प्रश्न है कि गुरु गोविंद हो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वास्तव में इस मानव जीवन में अगर भगवान ने भी कहा कि गुरु का सम्मान करिए, गुरु के शरण में जाइए, तो इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि व्यक्ति के विकार को, व्यक्ति के अंदर जो छुपे अंधकार को अगर कोई दूर कर सकता है तो वह गुरु ही कर सकता है। और जब गुरु ये अंधकार विकार को दूर करता है तो शिष्य के अंदर आपरूपी प्रकाश आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। और जब प्रकाश ज्ञान आ जाता है तो वह स्वतः भगवान के शरण में चला जाता है। तो भगवान के शरण में ले जाने का कार्य अगर कोई करता है तो वह गुरु करता है। तो आप जिस तरह राजू यादव जी की आप लोग भावनाएं देखी, मैं इनको बहुत, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आगे चल के बहुत बड़े स्टार होंगे, क्योंकि जिनके दिल के अंदर हमारे सनातन धर्म छुपा है, जिनके अंदर गुरु का सम्मान छुपा है, भारत की संस्कृति छुपी है, भारत की खुशबू छुपी है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टार आगे चलकर और कुछ भोजपुरी समाज को ना दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये स्टार आगे चलकर भोजपुरी समाज को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देने वाले हैं, इसलिए मैं इनको धीरे से आशीर्वाद दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजू जी बात करें संग्राम सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम संग्राम भैया के बहुत बहुत धन्यवाद देव कि रुआ हमने ये शुभ अवसर पर आके और हमने के शुभकामना दी, हमने के महफिल में चार चांद लगौनी, एकरा खातिर भैया के बहुत बहुत आभार प्रकट करते नहीं। और भैया से आगे चल के नया मुलाकात भा, भैया से नाम हम सुनले बानी, पहले जो एकरा पहले हम एक योद्धा के लिए रहनी तो उसमें भैया के चर्चा आई रहे हमारा के हैं, फिर हम और रजनीश भैया मित ना जाने रीत के लिए नहीं जा, तो उसमें भैया के एक बार नाम हमारा के आई रहे, लेकिन दुर्भाग्य के बात कि हमने के ना जुड़ पाओ नहीं जा, और भैया आए इसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु जी को पहली बार मिली हूँ तो उन्हें प्रणाम कहना चाहूँगी, और मैं बहुत धन्य हुई कि आज मुझे गुरु जी के दर्शन हो गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि गुरु जी यहाँ आने वाले हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ईश्वर और भक्त के बीच का मार्ग होते हैं गुरु, तो ऐसे व्यक्ति के दर्शन होना बहुत ही बड़ी बात होती है। और इस फिल्म के मुहूर्त के अवसर पे इतने सारे लोगों से मिलना, जिन जो इतने पॉजिटिव लोग हैं, तो नो डाउट ये फिल्म अच्छी होगी। डायरेक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आप कैप्टन आपसे? सबसे पहले तो ना इस मतलब कठिन परिस्थिति में, खासकर बारिश हो रही है और उस मध्य में गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से पूरी फिल्म को एक सकारात्मक स्वरूप देने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, तो पहले तो उनके चरण में समस्त अर्पण। और हमारे महानायक सर भी आए हैं यहाँ पर, तो इनके लिए भी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात तो फिर गुरु की, तो जो कल्पना है वो 26 अक्षरों में की नहीं जा सकती है, वो तो ईश्वर के लिए, ईश्वर के पास भी उनके लिए शब्द नहीं है, तो फिर मेरे लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है। और बस वो हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें जहाँ भी रहें, हम जहाँ रहें, बस यही उनसे कामना है, और वो देते रहेंगे,
ये विश्वास भी है।